प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ ज्ञान भक्ति कर्म और योग के मार्ग प्रकाश्य हैं या गुप्त? माँ, प्रकाश के मध्य में भी असली रहस्य गुप्त रहता है। प्रत्येक पंथ का कुछ ना कुछ गुप्त रहस्य है, सब नहीं जानते और किताबों में भी लिखा नहीं रहता। ज्ञान मार्ग कहो, भक्ति मार्ग कहो, वैदिक कर्मकांड अथवा तांत्रिक कर्मकांड कहो, और चाहे गीता के योग की बात ही कहो, प्रत्येक की बाहरी साधना के अंदर असल तत्व गुप्त रहता है, जो गुरु बता देते हैं या जो साधना करते करते धीरे धीरे समझ में आता है। साधन मार्ग में चलते रहने से अनेक गुप्त रहस्य समझे जा सकते हैं, धीरे धीरे उद्घाटित होते हैं। सब बात प्रकाश नहीं, प्रकाश में उद्घाटित नहीं है, इसी से गुप्त कही जाती है। गुप्त माने कोई खराब या गर्हित साधना नहीं है। मनोराज्य में सब रहस्य प्रकाशित नहीं होता। जहां पहुंचकर मन नहीं रहता, वहां कुछ भी गुप्त नहीं रहता, वहां सभी स्वयं प्रकाश है। प्रश्न, मां आपकी अनुपस्थिति में भक्तों को इस सत्संग का लाभ कैसे प्राप्त होगा? मां काली, गोपाल, स्वयं शिव बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य लाभ की इच्छा हो तो वहां समस्त प्रकाश की स्थिति का स्मरण करो। 24 घंटे के बीच कभी कभी सोचो, वे कभी दर्शन देना बंद नहीं करेंगे, जान लो। सर्वदा उन्हें स्मरण रखो। शब्द नहीं, दर्शन नहीं, किंतु उसी से सत्संग का लाभ होगा। मन जब खूब चाहे मां काली की मूर्ति के पास बैठकर ध्यान करो। जितना ध्यान करोगे उतना ही लाभ। मां काली तो बैठी हुई हैं तुम लोगों के कल्याण के लिए। स्वप्न में, ध्यान में, बीच बीच में वे किसी किसी से बात भी करती हैं। और एक बात है, यह जो कुछ है सभी तो तुम्हारे मन के अंदर है, इसलिए जितनी देर तक संभव हो उनको मन के अंदर देखने की चेष्टा करो। मनुष्य को भगवान लाभ का अधिकार है। अपने को जानो, मैं कौन हूं यह जानने की चेष्टा करो। जो यह नहीं करता वह आत्मघाती है। जहां वासना है वहां स्वरूप स्थिति लाभ नहीं होता। वासना रहते यदि शरीर पात हो जाए तो रिटर्न टिकट कटाकर फिर लौटना पड़ता है। विषय वासना लिए हुए शरीर त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। विषय वासना का फल स्लो पॉइजन की तरह होता है। इस पॉइजन से धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। विषय माने जो विष है और जन्म लेने के लिए जो रिटर्न टिकट देता है। मनुष्य जन्म लाभ करके यदि इस आने जाने का चक्कर बंद करना चाहो तो साधना करो। विषय वासना एक के बाद दूसरी इसी तरह जागृत होती है। लता जैसे बढ़ती है उसी तरह से विषय भोग की लता को मत बढ़ाओ। महात्मा माने जिसकी महान आत्मा है। जीव माने जो बंधन के बीच में है। जगत माने जो गति के बीच में है, जिसका परिवर्तन होता है। जीव का स्वभाव है कि जोंक की तरह एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता है। जीव जगत में ऐसा ही होता है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, पुत्र, कन्या, पत्नी, सब तो तुम्हारी अपनी इच्छा अनुसार रहेंगे नहीं। जब तक निरपेक्ष नहीं होगे तब तक दुख नहीं जाएगा। दुई को लेकर दुनिया, दुई लेकर दुख, द्वंद्व, अंधकार। दुनिया का कितना ही विद्वान या पंडित क्यों ना हो, उसे भी गिरने का भय है। कोई झूठ बोलता है तो क्रोध करते हो, किंतु फिर स्वयं ही मिथ्या बोलते हो। तुम स्वयं तो सत्य बोलो, तुम जो सत्य स्वरूप हो, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शांत, सत्य तुम्हारा प्रकृत स्वरूप है। इसलिए तुम सत्य को चाहते हो। तुम जो ज्ञान स्वरूप हो तभी अज्ञान का आवरण दूर करने की तुम्हारी इच्छा, चेष्टा,
तुम वास्तव में जो हो उसी के प्रकाश के लिए। भगवान से दूर हैं, इस बुद्धि को हटाना होगा, इस दुर्बुद्धि दुर्गति को हटाओ। यदि सौभाग्यवश किसी के मन में आए कि अपने को जानना ही होगा, तब समझो साधना शुरू हुई। अपने को जानना माने भगवान को जानना, प्रभु दास संबंध द्वारा वा माता पुत्र संबंध द्वारा अथवा पूर्ण अंश इस भाव द्वारा उनके साथ एक संबंध स्थापित करो। अग्नि स्फुलिंग अग्नि का अंश है, किंतु दाहिका शक्ति दोनों में ही है। इस तरह जीव और हरि भिन्न नहीं है। यत्र जीव तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी। तुम एक ही आधार में पिता पति पुत्र हो। इसी तरह भगवान स्वयं ही प्रभु और स्वयं ही दास हैं। जल बर्फ वाष्प एक ही चीज है। निराकार साकार सभी ब्रह्म। ब्रह्म गोपाल उनको देखो, उनका नाम गाओ। वे ही सीता राम रूप में, राधा कृष्ण रूप में, शिव शक्ति रूप में, शक्ति शक्तिमान के रूप में। बुद्धि द्वारा समझने के लिए अलग अलग कहा जाता है। कोई कोई कहते हैं भगवान जहां हैं रहें, मैं तो खूब मजे में हूं। मजे से रहने से ही ठीक, यही हुई दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि। इस दुर्बुद्धि को हटाने के लिए गुरु के निर्देश में चलो, सत्संग करो। रूप रस शब्द स्पर्श गंध सब के बीच में उनका सत्संग करो। गुरु प्रदत्त अक्षर रूप में नाम रूप में स्वयं भगवान हैं, उनका जप करो। अक्षर जिसका क्षय नहीं, अक्षर रूप में भगवान ही हैं। यदि अभी किसी को गुरु लाभ नहीं हुआ है तो उनका जो नाम अच्छा लगे उसका जप करे, अथवा जो ज्योति देख पाओ उसका ध्यान करो। वह ज्योति क्या है? असली ज्योति का ही तो प्रतिरूप। उस असली ज्योति के प्रकाश से ही तो सब आलोकित, सारी शक्ति सिर के अंदर है। वहां उनके रूप का प्रकाश होना चाहिए। जितने अनंत प्रकार के रूप हैं सब उन्हीं के प्रतिबिंब हैं, और उनके नाम और रूप की बात क्या? जब तक नाम रूप के बीच में हो तब तक नाम रूप ही पकड़कर चलो। यदि नाम रूप अच्छा नहीं लगता तो आत्म ज्योति का ध्यान करो। बाहर का उजाला उन्हीं की ज्योति है, क्रिया रूप में भी वे ही हैं। गुरु प्रदत्त क्रिया का अवलंबन करके चलो। जितने विग्रह हैं, वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य, सबके भीतर वे ही हैं, उनको लेकर रहो। यह शरीर यह बात नहीं कहता कि घर छोड़कर जंगल में जाना होगा। जहां भी जाओ वासना रहने से वहीं घर बस जाएगा। जहां भी रहो वहीं ध्यान करो, साधना करो। बिंदु बिंदु जल पड़ने से जैसे पत्थर भी टूट जाता है, उसी तरह अभ्यास के द्वारा उनको भी पाया जा सकता है। ग्रही साधक के लिए स्त्री शक्ति रूपिणी, पुत्र बाल गोपालवत। गृहस्थ आश्रम में भगवान का मैनेजर होकर काम करो। जाते समय कोई साथ नहीं जाएगा। अवश्य अनेक समय देखा जाता है कि स्वामी स्त्री या प्रेमी प्रेमिका दोनों जन एक साथ जल में डूबकर मरते हैं, किंतु यह मोह के फल स्वरूप शरीर की अपमृत्यु है। वे आत्मघाती हैं। ईश्वर के लिए डूबना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर उसे भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। ऋषि पति ऋषि पत्नी ऋषि बालक, इस भाव से गृहस्थाश्रम की नीति के अनुसार ऋषि पंथा का अवलंबन करके चलो। जिसने सन्यास लिया है वह सन्यास आश्रम के नियम अनुसार चलेगा। भगवान हमारी आत्मा प्राणों के प्राण, वे दूर नहीं अति निकट हैं। जहां भी हो जिस भी अवस्था में हो साधना शुरू कर दो, देरी मत करो। दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहां से ही यहीं उन्हें पुकारना शुरू करो। जिनको पकड़ने से तुम माया बंधन से रिहाई पाओगे उन्हें कस कर पकड़ो। किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल भगवान को पकड़ना होगा। मोहजनित संसार बंधन ठीक नहीं। मोहातीत होकर निर्लिप्त भाव से सेवा करो। साधु को महात्मा कहते हो क्योंकि उन्होंने महान को पाया है, महान को पकड़ा है। परमात्मा माने परम आत्मा,
जिसके बाद, जिसके ऊपर, जिसके बाहर और कोई नहीं। तुम्हारे अपने अंदर परमात्मा स्वरूप रहा है, जो रूप, जो स्वरूप तुम्हारी अंतरात्मा के अनुकूल, उसी लाइन को पकड़ कर चलो। गुरु जैसा कहें उसी भाव से चलो, और अगर गुरु संग ना हुआ हो तो जो नाम, जो रूप अच्छा लगे, मन में शांति लाए, उसी नाम रूप को लेकर पहले चलो। तुमने इस शरीर को जैसा बजाया वैसा ही पाया, जो जाता है वह फिर आता नहीं। जो करोगे आज ही करो, अभी करो। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।